उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वह धर्म के आठवीं लक्षण के संबंध में वह आत्मा के आठों गुणों को प्राप्त करने के साधन के संबंध में आत्मा में विद्यमान आठों कर्मों को नष्ट करने के हेतु के संबंध में थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि आज का ये लक्षण अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन इसी लक्षण पर आधारित है। यदि जैन दर्शन में से त्याग शब्द को निकाल दिया जाए तब जैन दर्शन शून्यवत हो जाएगा। यही कारण है कि जैन दर्शन के अनुयायी जैन धर्म के अनुपालक विश्व में अत्यल्प दिखाई देते हैं। संसार में इस जीव ने अनादि काल से भोगों को स्वीकार किया है, अनादि काल से राग के पंख में लिप्त रहा है, अनादि काल से तृष्णा की लिप्सा से लिपटा रहा है, अनादि काल से लोभ की अग्नि में जलता रहा है, पर वस्तु की कामना याचना वांछा अभिलाषा इसकी आय तक कम न हो सकी। और जो व्यक्ति किसी कार्य को सुदीर्घ काल तक करता है उसके संस्कार उसकी रग रग में स्थित हो जाते हैं। इस जीव ने अनादि काल से पौद्गलिक परमाणुओं का कारमाण वर्गणाओं का संचय किया है और उन कर्मों के उदय आने पर उसके फल को प्राप्त किया है। संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों ने अनादि काल से कर्मों का बंध किया, ऐसा एक भी जीव नहीं जिसने कर्मों का बंध न किया हो। प्रत्येक जीव राग और द्वेष में संलिप्त है। प्रत्येक जीव पुद्गल के प्रति आकृष्ट है। किंतु जो विवेकी जन हैं, जिन्हें स्वपर का भेद विज्ञान है, जिन्हें आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना पर विश्वास है, जो इस बात पर श्रद्धान करते हैं कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, जो आस्तिक के गुण से संयुक्त हैं, वे इस जैन धर्म के मर्म को, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने में और प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। महानुभाव, पर वस्तु का ग्रहण ही संसार है और पर वस्तु का समग्र त्याग ही जैन धर्म का सार है। मेरी चेतना चेतनामय हो जाए, मेरी चेतना में विद्यमान समस्त अचेतनता निकल जाए, बाहर से मन वचन काय के द्वारा मैं जो पर वस्तु को ग्रहण कर रहा हूं वह पर वस्तु मुझसे छूट जाए। अभी सूक्ष्म व्याख्या न करके स्थूलता में देखें, जो कुछ भी पौद्गलिक परमाणुओं का समूह व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उस पौद्गलिक परमाणु के स्वरूप का एक बार चिंतन करें, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, तब निस्संदेह उसे ये भान होगा आज तक मैं अपनी आत्मा के हित के मार्ग पर चलता रहा। आत्मा का हित जिस प्रकार से संभव था उस मार्ग को मैं विस्मृत हो गया। व्यवहार जगत में देखें तो
तो व्यक्ति जो कुछ भी अर्जन करता है उसका सदुपयोग करने की कला इसके पास आ जाए तब अर्जन करना दुखद दुरापद बाधक एवं कष्टदायक नहीं होता। किंतु जिसके पास वस्तु तो हो, वस्तु का सदुपयोग करने की कला नहीं हो, तब ऐसा व्यक्ति निस्संदेह दुख संकट आपत्ति विपत्ति इनका ही अनुभव करता है। उस वस्तु का सदुपयोग न कर पाने से वह वस्तु उसके लिए अभिशप्त हो जाती है, अभिशाप बन जाती है। वस्तु कोई छोटी है या बड़ी, मूल्यवान है या निर्मूल्य, अधिक पुरुषार्थ से प्राप्त हुई या अल्प पुरुषार्थ से, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है किस वस्तु का कितना सदुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति एक अल्प मूल्य की वस्तु का भी अच्छा उपयोग कर सकता है वह व्यक्ति सुख के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति बहुत मूल्यवान वस्तु को दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करता है वह उतना ही अपने जीवन में दुख संकट आपत्ति विपत्ति को आमंत्रण देता है। महानुभाव, त्याग करना प्रतीक द्रव्य का नैसर्गिक स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है, वैभाविक नहीं। प्रकृति की यो दृष्टि डाल करके देखो आपको ज्ञात होगा त्याग किए बिना प्रकृति का एक परमाणु भी परिणमन नहीं कर सकता। त्याग के साथ ही परिणमन संभव है, बिना त्याग के परिणमन संभव नहीं। चाहे पशु पक्षियों को देखो, चाहे पादप देखो, चाहे अन्य द्रव्यों को देखो, त्रस और स्थावर चार गति के जीवों को देखो, सबका स्वभाव त्याग करना है। बिना त्याग किए उर्त का जीवन जीना भी अशक्य है। त्याग के माध्यम से जीवन निराबाद जिया जा सकता है। यदि वृक्ष जीर्ण शीर्ण पुराने पत्तों का परित्याग न करें तो उनके पास नव कोंपल नव पत्र प्राप्त न हो सकें। यदि पुष्पों का त्याग न करें तो फलों को प्राप्त न कर सकें। यदि फलों का त्याग न करें तो अगले वर्ष उनके ऊपर फल और नहीं आ सकेंगे। त्याग करते हैं तो वह नया नया प्राप्त करते हैं। ऋतु बसंत याचक भई दिए तरु मिल पात, याते नव पल्लव भई दिया दूर नहीं जात। बसंत ऋतु में वृक्ष अपने पत्रों को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, जीर्ण शीर्ण का त्याग करते हैं, तब नूतन नूतन नव पल्लव किश्ले कौपल और पत्र पुष्प आदि प्राप्त करते हैं। जो मानव त्याग करना जानता है वह नूतन अवस्था को प्राप्त कर पाता है। पुरातन अवस्था का परित्याग की नूतन अवस्था की प्राप्ति शक्य नहीं। महानुभाव, पशु पक्षी भी, पक्षी अपने पंखों का परित्याग करते हैं तो उन्हें नए नए पंख प्राप्त होते हैं। पशु भी जैसे सर्प आदि अपनी कांचली का त्याग करते हैं फिर नव कांचली प्राप्त करते हैं। पशु अपनी सींग नाखून आदि का त्याग करते हैं तो नव नव प्राप्त होते हैं। मनुष्य भी अपने केश और नख आदि का त्याग करता है, जीर्ण वस्तुओं का त्याग करता है, नूतन वस्तु प्राप्त करता है। ये जीवन त्याग धर्मा है, राग धर्मा नहीं, ग्रहण धर्मा नहीं। जो ग्रहण करता है उसके जीवन में तो मानो ग्रहण लग जाता है। सूर्य चंद्र आदि महाभिमानों में ग्रहण लगते हैं। जब ज्योतिष ग्रहों की गति आप देखते हैं, वे गतिमान अपनी धुरी पर गमन करते हुए मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, किंतु कभी कभी उनके विमान के नीचे राहु केतु आदि के विमान आते हैं, उनका प्रभाव लुप्त होता है, तो उन्हें ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही जब मानव पर वस्तु को ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा में ग्रहण लग जाता है, उसकी आत्मा का समग्र और समीचीन प्रभाव दृष्टिगोचर अनुभव गोचर नहीं रह पाता।
वह पुद्गल के उस स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, पुद्गल के माध्यम से ही राग द्वेष करता हुआ दुखों का अनुभव करता है, सुख की अनुभूति उसे नहीं हो पाती। त्याग करने पर ही व्यक्ति अपनी स्वभाव की ओर गति कर पाता है। मानव भी यदि मल उत्सर्ग न करे तो क्या वह सकुशल जी सकेगा? उसे 24 घंटे में मल त्याग तो करना ही पड़ता है, चाहे एक बार दो बार चार बार करता है, चाहे दीर्घ शंका या लोशंका के माध्यम से शरीर के मल का त्याग करता है, कहीं श्रम करता है तो श्वेत पसीना के माध्यम से ये मल का त्याग करता है, नव द्वार के माध्यम से मल निश्चित होता है और उस द्वार से मल विसर्जित न करे तो शरीर रोगी होने लगता है। इतना ही नहीं, ये जो ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण करता है उसका भी भोग करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड बना करके छोड़ देता है। यदि उसका त्याग नहीं करे तो क्या वह जीवित रह सकेगा? त्याग करना अनिवार्य है। बिना त्याग की सांस को छोड़े बिना नूतन प्राणवायु कैसे ग्रहण कर सकेगा? महान भाव, त्याग एक अनिवार्य शर्त है जीवन जीने के लिए। बिना त्याग किए किसी का भी जीवन संभव नहीं है। ये मानव नेति ये वह त्याग करके जीता है तो सुख शांति आनंद को प्राप्त करता है, और जब ग्रहण करके जीता है, पकड़ के जीता है, तो बस पकड़ के रह जाता है वही ठूठ और मृतका का एक लोष्टवत, एक ढेर बन के रह जाता है। उसकी चेतना उस अनुभूति से वर्जित होती है, रहित हो जाती है। इसलिए त्याग की बात कही। व्यवहार धर्म में देखें, लोक व्यवहार में देखें, जो व्यक्ति धनार्जन करता है अपने धन का परित्याग न करे, भोगने के लिए व्यय न करे, दान न करे, जरूरतमंदों की सहायता न करे, केवल जोड़ जोड़ के रखता ही जाए, उसका जीवन भी दुखमय हो जाएगा, क्लेशमय हो जाएगा। उसका इकट्ठा करने से ही वह दुर्गति का पात्र बन जाएगा, नरक आदि खोटी आयु का बंद करने वाला होगा, और उस धन को कमाने में भी पाप, संग्रह करते हुए भी पाप, और पुनः जब वह छोड़ करके जाता है तब भी आर्ध ध्यान में पाप ही करता है। सुख नहीं, दुख ही दुख है। मल संचय उदर में, मल संचय रोग का कारण होता है, ऐसे ही व्यवहार जगत में धन संचय अनेक दोषों का कारण होता है। मल का परित्याग करने से तन निरोगी होता है, तो धन का परित्याग करने से चेतना निरोगी बन सकती है। महानुभाव, उसका त्याग तो करना ही पड़ता है। यदि बुद्धि विवेक पूर्वक समय पर जहां आवश्यकता है वहां पर परित्याग कर दिया तो वह त्याग पुण्य को देने में निमित्त बन सकता है, वह त्याग आपको स्वभाव की ओर ले जा सकता है, वह त्याग संस्कृति सभ्यता की रक्षा कर सकता है, वह त्याग देश का गौरव, परिवार का गौरव, कुल का गौरव, समाज का गौरव बढ़ाने में समर्थ होता है। और यदि त्याग नहीं किया जाता है तब अंत में सब छीन लिया जाता है, एक कफन भी उस पर नहीं छोड़ा जाता, उसे भी उतार लिया जाता है। कितना भी कमाया जीवन में, चाहे हजारों में कमाया, लाखों में कमाया, करोड़ों में कमाया, अरबों खरबों में कमाया और इससे भी ज़्यादा कमाया, किंतु मृत्यु के समय जब आँख बंद होती है सब कुछ वहीं रखा रहता है। रखी रहेगी संपदा, पड़ी रहेगी काय, खड़े रहेंगे बंधुजन खाली हाथों जाए। जहाँ संपत्ति रखी है वहाँ रखी रहेगी, एक इंच भरी आपके साथ जाने को तैयार नहीं। जहाँ जो रखा है वहीं रखा है, शरीर भी वहीं पड़ा रह जाएगा। जहाँ इस शरीर से प्राण कूच करेंगे, प्राण निकलने के प्राण शरीर उछल के चार कदम भी आगे नहीं जाएगा।
बंधुजन आपकी यात्रा कूच करेगी, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, बस उस मृत काय को संस्कार करने के लिए पहुंच जाएंगे अधिक से अधिक। और मृत्यु भी ऐसी हुई कि संस्कार करने की अनुकूलता है तो संस्कार करेंगे, दाह संस्कार, नहीं तो सरकार के कर्मचारी संस्कार करेंगे, हो सकता है वह मृत शरीर शव भी प्राप्त न हो, तो वह मशीन अपनी अग्नि की लपटों के माध्यम से शरीर को सुहा कर देंगे। महान भाव, इस कोरोना ने, इस विश्वमारी ने व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाया है, जैन सिद्धांतों का जीवंत अनुभव कराया है, बाह्य भावना में से अनित्य भावना का जीवंत दिग्दर्शन कराया है, असंग भावना का दर्शन कराया है, संसार की स्थिति को बताया है, एकत्व भावना अन्यत्व भावना का साक्षात बोध कराया है। इस विश्वमारी ने बता दिया कि वास्तव में व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है, अपने ही किए कर्म का फल व्यक्ति भोगता है। किसी परिवार में से एक दो चार छः चले गए, किसी परिवार का बाल बांका नहीं हुआ, किसी परिवार में एक व्यक्ति को भी जुकाम तक नहीं हुआ और एक परिवार के पूरा परिवार बिखर गया। लोग कहते हैं क्या करता है धर्म, धर्म से क्या होता है, किंतु वास्तव में व्यक्ति को अब ज्ञात हो गया कि जो धर्म से साथ जुड़े रहे उन्हें एक दिन कोई एक टेबलेट लेने की भी आवश्यकता न पड़ी, और जो धर्म से दूर रही केवल पैसे कमाने में लगी रही, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रही, पैसा तो कमाया किंतु पैसे कमाने में अपने शरीर को बर्बाद कर दिया, रोगी कर दिया, शरीर की रोग निरोधक क्षमता थी घट गई और उसके पीड़ित हुए और सूटकेस भर करके डॉक्टरों को दिए, अस्पताल में दिए, फिर भी शरीर को बचा ना सके। करोड़ों की संपत्ति एक श्वास ज़्यादा न दिला सकी, अरबों की संपत्ति होते हुए भी वे अपने जीवन को सकुशल न जी सका, मृत्यु भी हुई तो वेदना पूर्वक तड़पता रहा, पास में कोई आ न सका, न अपना न पराया न सके संबंधी, उपचार भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ हमें व्याख्या करना उचित नहीं, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा होगा किस पेशेंट की क्या स्थिति बनी, कौन रोगी रोग से कितना जूझता रहा, जीते जी नरक जैसा अनुभव करता रहा और छोड़कर के अपने अपनों के बीच में ही तड़पता रहा।